According to the Gates, there are 124.5 million people who are smoking. And we don't know about that butts are not made with the cotton. They are made by plastic and they can be recycled. So today we are going to discuss the butts recycling and their utilization with Naman Gupta. CODE is like an acronym for conserving our depleting environment. In this, like, we recycle cigarette waste, and it is like the most littered item as per the facts on Google. Okay. Cigarette filters are a threat to life. If they mix with food, are very harmful. According to Gates, that is Global Authority of Tobacco Survey in India only, we have 124.5 million smokers. Because of this, the number of butts are uncounted. These cigarette filters are coming in contact of environment, which affects the humans as well as wildlife. हम लोगों को बर्ड्स आता है यहाँ पर सप्लाई में. बर्ड्स आने के बाद में हम लोग पेपर को अलग करते हैं. उसके बाद में जो बर्ड्स बचता है उसको कटिंग करते हैं. कटिंग करने के बाद में केमिकल ट्रीट होता है उसका. उसके बाद में वाशिंग होता है. वाशिंग होने के बाद में ये सामने मशीन रखा हुआ है, इसमें ड्राई होता है. ड्राई होने के बाद में इसको धुलने के लिए जाता है. ये बर्ड्स हम लोग को हर एक इंडिया के स्टेट से सप्लाई आता है यहाँ पर. सप्लाई आने के बाद में बर्ड्स को हम लोग पेपर अलग करते हैं, और इसके बाद में जो बर्ड्स बचता है उसको हम लोग कटिंग करते हैं. कटिंग करने के बाद में केमिकल ट्रीट होता है. उसके बाद में वाशिंग किया जाता है. वाशिंग करने के बाद में उसको मशीन में ड्राई किया जाता है. ड्राई करने के बाद में धुनने को जाता है धुनिया के पास में, और धुन करके आता है. तब उसके बाद में प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें. इसमें पिलो बनता है, और ये आपको चाबी रिंग बनता है, गद्दा बनता है, एक खिलौने फिलौने बनते हैं किड्स. अभी और आगे चल करके हम लोग प्रोग्रेस करेंगे दूसरा भी प्रोडक्ट्स बनाने. योर फ्यूचर मींस व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग अबाउट द कंपनी? What are your plans and what is the vision and mission about of your company, means CODE and VMIC? We, हमारे पास जैसे चार पांच अलग अलग ranges हैं, so we are like planning to launch soft toys, mosquito repellents, air purification system, okay, and few other products. बस उसका R&D वगैरह चल रहा है. Company की planning means company कहाँ तक पहुँचनी चाहिए अगले साल या दो साल में, अगले पाँच साल बाद, उस बारे में क्या सोचना है? विजन और मिशन आपकी कंपनी VMIC और CODE के बारे में आपका क्या विचार है? मतलब जैसे अभी जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड है, जैसे वी आर लाइक कवरिंग अराउंड 60+ डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड इन 10-12 स्टेट में अलग अलग करके डिस्ट्रिक्ट्स हमने 60 से 65 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करे हैं. सो विद इन 2020 दो साल तक, क्योंकि एक साल अभी तो क्योंकि प्रोडक्शन फेज पे हैं हम, और अभी काफ़ी मतलब ट्रायल्स टेस्टिंग सब कुछ होगा, तो एक साल का टाइम अभी कंपनी को एज अ होल चाहिए सब कुछ बेस और सेटअप करने में. तो 2020 तक जैसे है, तो तब तक हम लोग मतलब प्लान कर रहे हैं कि अराउंड 150 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कवर हो जाएं, और हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारे मार्केट में लॉन्च हो जाएं, जिससे ये सब अवेलेबल रहें. तो क्योंकि ये सब अवेलेबल हो जाएंगे तो जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होता है वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी ग्रोथ वैसे वैसे आएगा. मतलब हमारा ये मानना है कि सिगरेट स्मोकिंग तो इंजूरियस हर किसी के लिए ही है. मतलब जो नहीं भी पीता है उसके लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि उसका धुआं जो जा रहा है, ठीक है, वो अगर किसी और की बॉडी में जाएगा तो वो इक्वली हार्म करेगा. बिसाइड्स दैट उसका जो वेस्ट है, ठीक है, वो तो मतलब हर कोई मतलब नोटिस करे बिना फेंक दे रहा है ज़मीन पर. तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकल रहा है कि या तो वो पानी में जा रहा है तो हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो ख़राब हो रहा है, या तो कोई मरीन लाइफ है
ठीक है, उसको लग रहा है कोई खाने की चीज़ है वो इंजेस्ट कर ले रहा है तो वो मर जाता है, क्योंकि बहुत टॉक्सिक होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, प्लस ये ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये प्लास्टिक है ऑलरेडी, जिसको मालूम है उसको मालूम है, मतलब जो स्मोकर है, इवन जो स्मोक करता है उसे भी शायद ये चीज़ नहीं मालूम कि ये प्लास्टिक है, उसे लग रहा है ये कॉटन है इसीलिए शायद वो फेंक दे रहा है, हाँ वो लगता बिल्कुल कॉटन जैसा है, तो इसीलिए लोग नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं चीज़ को, तो इससे एनवायरनमेंट को भी बहुत हार्म है, तो मतलब हम लोग बिजनेस तो अपनी जगह है, जैसे पैसा वैसा तो होता रहेगा, पर हम जो हमारी कंपनी है उससे चलो एक एनवायरनमेंट एस्पेक्ट तो सॉल्व हो रहा है, मतलब सोसाइटी को तो बेनिफिट हो रहा है कि कूड़ा तो रिड्यूस हो रहा है, चलो हमने 5% ही रिड्यूस करा, बट वी डिड आर बिट, है ना, हम एटलीस्ट हम 5% तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये 5% भी ना करें तो इससे फिर तो ज़ीरो ही है ना, है ना, तो कुछ भी नहीं होगा इसके, अगर हम 5% नहीं करेंगे तो फिर तो सारा कुछ ही वेस्ट है, तो उससे हार्म तो बढ़ेगा ही ना, कुछ रिड्यूस नहीं होगा, तो जो हम कर रहे हैं, प्लस जो हम लोग सिगरेट वेस्ट का जो हमारा बिजनेस मॉडल है, ठीक है, कलेक्शन का, वो इंसेंटिव बेस्ड है, उसमें हम लोग पे करते हैं अराउंड 250-400 रुपीज़ पर केजी, वॉलंटरी रेट है कि आप अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप बहुत गरीब हैं, अगर किसी भी रीज़न से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, तो आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, कि आप बस जाके रोड पे जो सिगरेट वेस्ट पड़ा है उसे इकट्ठा कर लीजिए, 1 किलो हो जाता है, हमारे काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं 10-12 स्टेट्स में, उनमें से किसी भी पार्टी को आप सप्लाई कर दीजिए, वो आपको पे कर देंगे मिनिमम 250 रुपीज़ पर केजी, तो आपको इनकम हो जाएगा थोड़ा बहुत, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा और हमें वेस्ट मिल जाएगा, तो ये जो इंसेंटिव बेस्ड है इससे सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, जो गरीब आदमी है या जो अनएम्प्लॉयड है, जो रूरल एरियाज़ में रह रहा है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ईजीली उसको नहीं मिल पाता है, तो उसको एक पार्ट टाइम कह लो या एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तरह समझ सकते हैं जैसे, तो उससे थोड़ा उसको भी हेल्प हो जाता है और हमारी कंपनी का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। अपने बिजनेस के साथ एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम कर रही हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है। ये थे नमन गुप्ता, जो कि आज के बिजनेस उसमेंस में से एक हैं, कैमरामैन दीपक के साथ इति रस्तोगी, आइजोम्स न्यूज़।